हेलो फ्रेंड्स, जमशेद जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज़ेबा। दोस्तों, आज मैं सिंपल पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 कप पास्ता, 1 बड़ा साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हल्दी पाउडर, 2 पिंच गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 हरी मिर्च जिसे मैंने टुकड़ों में कट किया है, थोड़ी सी हरी धनिया। सबसे पहले पास्ता को उबाल लेना है। मैंने पैन में 3 कप पानी लिया है, इसमें 2 पिंच तक नमक डाल देना है, 1/2 टीस्पून तक रिफाइंड ऑयल, अच्छे से मिक्स कर देना है। रिफाइंड ऑयल डालने से पास्ता आपस में चिपकते नहीं हैं। अब जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इसमें पास्ता डालना है। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें पास्ता डाल देना है। सात से 8 मिनट हो चुके हैं पास्ता को मीडियम फ्लेम पर उबालते हुए, यह पूरी तरह से पक गया है। अब इसे पानी से अलग कर लेना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। आप कोई भी डिजाइन का पास्ता ले सकते हैं। अब पास्ता के लिए मसाला रेडी कर लेना है। पैन गरम हो गया है, इसमें रिफाइंड ऑयल डालना है। ऑयल गरम हो गया है, इसमें ज़ीरा डाल देना है। 5 सेकेंड्स के बाद इसमें चॉप की हुई प्याज डाल देना है। फ्लेम को मीडियम कर देना है। प्याज हल्की ब्राउन हो गई है, अब इसमें हरी मिर्च डाल देना है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तीस सेकेंड्स के बाद इसमें टमाटर डाल देना है। टमाटर को मैंने 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। यहाँ पे आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर, नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। मैंने भी फ्लेम को लो कर दिया है। मसालों को डालने के बाद लो फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें 1/2 कप पानी डाल देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तब इसमें पास्ता डालना है। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर देना है।
पास्ता को मसालों में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पका लेना है। 2 मिनट हो चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाते हुए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देना है। धनिया की पत्ती, अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब हमारा सिंपल पास्ता बनकर रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही इजी है।